माय डियर चिल्ड्रेन, आई एम टी के यदुवंशी, आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास, आई शैल टीच यू ऑल टूडे प्रोच सेकेंड पैरा पैरा हैज बीन इंडिकेटेड ऑन योर ब्लैक बोर्ड इन योर प्रीवियस डेज। आई समराइज्ड द होल लेसन इन डिटेल एंड सम क्वेश्चंस वेयर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द समरी। आफ्टर दैट आई टॉट यू फर्स्ट पैरा एंड फ्रॉम फर्स्ट पैरा आई पुट अप सम क्वेश्चन। टुडे आई शैल टीच यू द पैरा पैरा हैज बीन इंडिकेटेड। नाउ आई वॉन्ट माई डियर बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक प्रोच एंड टेक ए पेन इन योर हैंड, ए बुक, ए कॉपी एंड आई होप दैट यू विल बी सेंसिबल एंड केयरफुल ऑन द टीचिंग। नाउ आई एम स्टार्टिंग द पैरा फर्स्ट। आई एम गिविंग यू द डिफिकल्ट वर्ड हिंदी एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन द पैरा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज गद्य से जो है आपका एक पैरा मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आज मैं दूसरा पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पैरा मैं पढ़ाऊंगा मैंने यहाँ उसको इंडिकेटेड कर दिया है। सभी लोग किताब खोल लीजिए, ओपन योर बुक्स एंड रेडी टू रीड विथ पेन बुक एंड ए नोटबुक। बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई से अमंग यू ऑल नाउ। राइट एंड हियर द रूट आई एम प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट। द रूट लेथो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1,000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। द गंगा वॉज ब्राउन सील्ड सॉलन विथ फ्लूड वाटर इट्स ओवरफ्लो इन 100,000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैन हैड एन ब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम्स ऑफ टाइगर्स एलिफेंट्स पाइथन्स एंड कोबराज एवरीवेयर देयर वॉज फ्लैट एंड रनिंग टू दी होराइजन बट डॉटेड हियर एंड देयर बाई सेक्रेट बनियन ट्री आर बाई रोज ऑफ पॉकर्डी शेप्ड लाइक एल। आई प्रोनंसिएट द होल पैरा। नाउ आई शैल टेल इट्स हिंदी एंड एक्सप्लेन। आई हैव होप दैट यू विल राइट द डिफिकल्ट वर्ड ऑन योर नोटबुक। द रूट रूट मीन्स पाथ। बच्चों जो कठिन वर्ड है आप उसका पर्यायवाची नोट करिए। अंग्रेजी में शब्दकोश का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार ये हमारे शरीर में
आत्मा है तो शरीर है, उसी तरह साहित्य में अगर शब्दकोश है तो साहित्य है, बिना शब्दकोश के हम साहित्य नहीं पढ़ सकते। तो आप शब्दकोश पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दकोशों को आप लिखिए। द रूट, रूट मीन्स होता है पाथ वे। ले थ्रो, थ्रो मीन्स होता है में से होकर। रिचेस्ट का मतलब होता है मोस्ट प्रॉस्परस एंड फर्टाइल। इंडिया मीन्स यू नो एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि। एरिया माने होता है लैंड। कहने का मतलब क्या होता है कि लेखक कहता है कि राइटर इज सेइंग इन दिस पैरा दैट दैट द ट्रेन वाज पासिंग। क्या बच्चों? द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू मोस्ट प्रॉस्परस एंड फर्टाइल एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कह रहे हैं कि वो गाड़ी थी वो भारत के सबसे समृद्ध और सबसे उपजाऊ क्षेत्र से हो करके गुजर रही थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। राइटर इज सेइंग दैट इट वॉज द इट वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर एंड यह ऊपरी ये गंगा का ऊपरी समतल मैदान था। एंड इट वॉज 1000 feet अबव सी लेवल। कहते हैं कि दिस एरिया वॉज एबव 1000 फ्रॉम द सी लेवल। मतलब क्या हुआ कि यह जो एरिया था, ये जो क्षेत्र था, दिस एरिया वॉज 1000 feet अबव फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल मीन्स समुद्र तल से। यह समुद्र तल से 1000 feet की ऊंचाई पर थी। मतलब जिस स्तर से गाड़ी जा रही थी, बता रहा लेखक यह समुद्र तल से 1000 feet की ऊंचाई पर थी। कहते हैं बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्ण कटिबंधीय। ट्रॉपिकल मीन्स वेयर देयर इज एक्सट्रीमली समर एंड एक्सट्रीमली रेनफॉल इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। वह धरती के वे क्षेत्र जो कर्क तथा मकर रेखाओं के बीच में स्थित है। अंग्रेजी में आप बोलोगे एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैपिकॉर्न वेयर देयर इज एक्सट्रीमली समर एंड एक्सट्रीमली रेनफॉल इज कॉल्ड ट्रॉपिकल। What is tropical means? The area where there is extremely summer and extremely rainfall. कहते हैं कि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। It means
देयर इज एक्सट्रीमली समर एंड एक्सट्रीमली रेनफॉल. द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट. द लूज सैंड. सिल्ट मीन्स होता है लूज सैंड. लिख ली बेटा, लूज सैंड. द गंगा वॉज ब्राउन द सैंड ऑफ द गंगा वॉज ब्राउन सॉलिड विथ फ्लूड फ्लूड वाटर. गंगा द गंगा रिवर वॉज फूल ऑफ फ्लूड वाटर. फ्लूड मीन्स होता है बाढ़. द गंगा वॉज फ्लूड वाटर फूल ऑफ फ्लूड वाटर एंड द गंगा वॉज फ्लोइंग ओवर इट्स बैंक. द गंगा वॉज फूल ऑफ फ्लूड वाटर. गंगा जी बाढ़ के पानी से पूरा एकदम भरी हुई थी एंड फ्लोइंग द इट्स बोथ बैंक और अपने दोनों किनारों से जो है वाज ओवरफ्लोइंग. गंगा वाज ओवरफ्लोइंग इट्स बैंक. अपने किनारों दोनों किनारों से जो है ओवर बह रही थी. एंड इन अनडेटिंग द फ्लूड ऑफ गंगा वाज कवरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थाउजेंड एकड़ ऑफ राइस फील्ड. द फ्लूड इन अनडेटिंग का मतलब माई डियर चिल्ड्रेन बॉयज एंड गर्ल्स, इन अनडेटिंग मीन्स कवरिंग, ढके हुए. द फ्लूड ऑफ गंगा वाटर वाज कवरिंग ए थाउजेंड एकड़ राइस फील्ड. इन दिस वे ए नंबर ऑफ लॉस एरिया फील्ड वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लूड वाटर ऑफ द गंगा. टू द नॉर्थ वेयर जंगल राइटर वॉज ट्रेवलिंग बाय लोकल ट्रेन. ही वॉज इंजॉइंग द सीनरी ऑफ जंगल्स एंड फ्लूड वाटर ऑफ द गंगा. राइटर इज एक्सप्लेनिंग इन दिस पैरा दैट देयर वेयर वास्ट एंड बिग जंगल्स टू द नॉर्थ साइड. एक कहता है कि देयर वेयर वास्ट एंड बिग जंगल्स इन द नॉर्थ साइड. देयर वेयर बिग ग्रासेस हायर देन मैन्स हेड इन द जंगल. एंड राइटर इज सेइंग दैट देयर वेयर ए लॉट ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रीज. देयर वॉज पाकर ट्री एंड बनियान ट्री. देयर वॉज ए लॉट ऑफ ट्रीज इन द रोज. राइटर विलियम सी डगलस वॉज इंजॉइंग all kind of things when he was traveling from Delhi to Bareilly by a local train. Writer hoped that this forest was full of tigers, elephants, pythons means cobra
एंड मेनी काइंड ऑफ डेंजरस वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट. राइटर वॉज इंजॉइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. Everywhere else there was flat land ran running to the horizon. One word has come here difficult. Horizon. I want to explain horizon, that the place where earth and sky seem to meet each other is called horizon. One word is asked in your examination. Substitute one word. The place where sky and earth seem to meet each other. What is it called? वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हिंदी में बच्चों उनको क्षितिज कहते हैं, अंग्रेजी में उनको होराइजन कहते हैं. राइटर इज सेइंग दैट इट सीम्ड दैट फ्लैट लैंड. यहाँ फ्लैट का मतलब सपाट, लैंड माने जो होता है वो मैदान. When writer was traveling, it seemed that the land was running extremely fast. It seemed him that it was trying to touch the sky. And here and there, writer saw a lot of banyan tree in a row. He saw a lot of pucker tree in a row. The pucker tree and banyan tree shape and size was like L and winding together, twisted means, my dear children, winding together means एक दूसरे को लपेटे हुए थे. कहते हैं कि the banyan tree and pucker tree's trunk of banyan tree and pucker tree winding each other. And the moist wind was blowing from the southwest. Writer is saying that moist wind, humid, the synonyms of humid is moist. Moist means gila, numb. The moist wind was blowing from the southwest direction, and when train came at a platform, there writer saw some monkeys and mother monkeys. The platform was full of monkeys and mother monkeys and their children. Some mother monkeys were cleaning. I want to simplify the word clinging. Clinging माने होता है स्टिकिंग. स्टिक माने चिपकाना होता है, आप कहते हैं स्टिकर. द मदर मंकीज वेयर स्टिकिंग एंड क्लिंगिंग ग्रेस्पिंग
देयर बेबीज विथ देयर स्टमक एंड द मदर मंकीज एंड मंकीज वेयर जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. राइटर वॉज इंजॉइंग ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स. द मंकीज वेयर स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस. दे वेयर सर्चिंग फूड. माई डियर चिल्ड्रेन, हियर वन डिफिकल्ट वर्ड हैज कम, ए फ्रेजल वर्ब हैज कम, लुक फॉर. लुक फॉर मीन्स सर्च. द मदर मंकीज एंड मंकीज वेयर सर्चिंग फूड. राइटर सा ए लॉट ऑफ विलेजेस व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग बाय ए पैसेंजर ट्रेन. द विलेजेस राइटर वाज पासिंग ही सा द वॉल्स वॉल्स ऑफ द हाउसेस वेयर मेड ऑफ मड. द विलेजेस राइटर वॉज पासिंग बाई ट्रेन ही सा द हाउसेज ऑफ द विलेजेस वॉल्स वेयर मेड ऑफ मड मिक्सड वाटर एंड वॉल्स वेयर पॉलिश्ड बाई काउ एंड बफैलो डंग एंड द रूफ ऑफ द हाउसेज वेयर थैचेड विथ द ग्रासेस एंड ग्रासेस वेयर टाइड विथ बंबू एंड बंबू वेयर स्प्रेड ऑन द बीम ऑफ वुड. हियर अलॉट ऑफ वर्ड हैज कम. थैचेड मीन्स कवर्ड विथ ग्रासेस एंड द ग्रासेस वेयर स्प्रेड ऑन द बंबू एंड बंबूज वेयर टाइड विथ ropes. Bamboos were spread on the wood beam and writer saw that on the walls of mud were the plant of pumpkin. Plant of pumpkin kaddu lauki. Plant of pumpkin were spreading and laden with flower. The whole mud walls were covered with the pumpkin vines and pumpkin vines were laden with flowering and trailing streak of yellow and yellow vines were hanging from the walls. In this way I taught you this para. I explained you this para and now I want to some question from this para. After going forward next para, at one station my routine
आप टॉकिंग विथ क्यूपिड वाज इंटरप्टेड एज सून एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी दे वेयर सेलिंग बास्केट्स हैंड वूवन रेड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न दे हेल्ड बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर आफ्टर पासिंग द विलेजेस एंड रूरल एरियाज व्हेन राइटर लोकल ट्रेन रीच्ड एट ए प्लेटफॉर्म व्हेन ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म एज यू नो दैट इट वॉज द हैबिट ऑफ राइटर दैट व्हेन ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म एंड राइटर एट वंस गॉट डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड टॉक्ड मेनी काइंड ऑफ पीपल ए लॉट ऑफ पीपल राइटर इज प्लानिंग डिस्क्राइबिंग इन द पैरा दैट एट वन स्टेशन When train reached there and stopped, writer got down. A lot of children gathered around him. As soon as writer got down on the platform, a number of Interrupted means interfered. एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, लेखक नीचे उतरा और इट वॉज द रूटीन ऑफ राइटर दैट आफ्टर गेटिंग डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म ही टॉक्ड मेनी पीपल बाई टॉकिंग मैनी पीपल ही लुक्ड फॉर इंग्लिश नोइंग पर्सन बट वन स्टेशन वेन ही वॉज सर्चिंग एंड लुकिंग फॉर इंग्लिश नोइंग पर्सन ही वॉज इंटरफियर्ड एंड इंटरप्टेड ए नंबर ऑफ स्मॉल रिफ्यूजी चिल्ड्रेन पुअर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन ऑफ रिफ्यूजी केम एंड गैदर्ड अराउंड द राइटर विलियम सी डगलस गैदर्ड मीन्स कलेक्टेड अलाइटेड मीन्स गॉट डाउन द स्मॉल पुअर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग हैंडमेड हैंड वूवन वूवन इज पास्ट पार्टिसिपल वीब मीन्स बुनना द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग हैंड वूवन मीन्स हैंड मेड हस्तनिर्मित द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग हैंड मेड बास्केट्स एंड फैंस देयर बास्केट्स एंड फैंस वेयर मेड ऑफ रीड रीड आई थिंक दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड रीड रीड इज ए वाटर वाटर प्लांट विच ट्रंक इज वेरी फ्लेक्सीबल एंड वेरी वीक विच इज फाउंड इन द पॉन्ड्स
देयर बास्केट्स एंड फैंस वेयर वेरी सिंपल द डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रंस बास्केट्स एंड फैंस वेयर वेरी ऑर्डिनरी बिकॉज दे वेयर मेड ऑफ हैंड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन हेल्ड देयर बास्केट्स हाई दे हेल्ड देयर बास्केट्स हाई दे रेज्ड हेल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ होल्ड होल्ड मीन्स कैच एंड सेकेंड फॉर्म इज द हेल्ड They raised their fans and baskets high because they wanted to sell their baskets and fans first. The refugee children were shouting word. They were shouting in Hindi language. For selling their basket first. But writer could not understand their language Hindi because writer was the Englishman. He did not know Hindi. But writer is saying here he was understanding the feeling of the refugee children. He was in understanding the desire of the refugee children. My dear children, I want to finish this para here. बच्चों मैं यहीं पर आज इस पैरा को समाप्त करता हूँ. अगला पैरा मैं इसके आगे मैं कल आपको अगला पैरा पढ़ाऊँगा. अब मैं इस पैरा से आपसे कुछ प्रश्न करूँगा और आप उन प्रश्नों को ढूंढ करके आप लिखिएगा. थैंक यू.